मेरे शादी पे क्यों नहीं आए? तुम्हें दावत भी दी, तुम क्यों नहीं आए? सब आए थे, तुम्हारा पूछ रहे थे कि तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आया। मैं बस बस तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक पैसे वाले हो और मैं एक गरीब हूँ। आज के बाद मेरा कोई वास्ता नहीं तुमसे। मैंने जो भी गिफ्ट वगैरह दिए थे वो मुझे वापस कर दो। रईस हुकुम करे, अभी उसे लटा कर आता हूँ। इतना बकवास कर गया है। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे दोस्त को मारोगे? मैं मालदार आदमी हूँ वो एक अलग बात है, मगर दूसरी तरफ वो मेरा दोस्त है, समझे? हम दोस्तों के बीच में किसी का कुछ नहीं जाए। दोस्त सर के ताज होते हैं। क्या उसको इतना भी हक नहीं कि वो गुस्सा कर सके? मुझे पता है कि वो मुझसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता। सिर्फ तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद रिजवान तुम्हारा गिला कर रहा था। असल में वो कंगला हो गया है, तभी पागल हो गया है। तुम्हें क्या लगा तुम ये शैतानी करके हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दोगे? मुझे पता है वो मेरा दोस्त है, वो मेरे बारे में ऐसे अल्फाज नहीं कहेगा। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे साथ ऐसा काम करूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, एक छोटी गलती की वजह से ऐसे लोगों को दोस्ती में दरार डालने का मौका मिल जाता है। दोस्ती बेमिसाल रिश्ता है, जल्दबाजी में किसी की बात पर यकीन न करें। अपने दोस्त पर हर वक्त भरोसा रखें, वो हमेशा आपका खैर ख्वाह होता है। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो बात सुने बगैर तहकीक के लोगों से बयान करना शुरू कर दे। किसी बात को बगैर तहकीक के दूसरों के सामने बयान करना भी झूठ के बराबर है। तुम क्यों नहीं आए सीमेंट सर? सर वो बस अरे मजदूरान पाना जानदार बस वो जो भी मैंने गिफ्ट वगैरह दी मैंने ओके भाई सुकून करे, अभी उसे मैं लिखा कर रहा था। बकवास कर गया है सर, गया है सर, गया है। तुम्हारा गिला कर रहा था, असल में वो सुनिया है पागल हो गया है लोगों की वजह से। माफ करना मेरे दोस्त, ऐसे दूर लोगों की वजह से दोस्ती में दरार आ जाता है। ऐसे लोगों को दोस्ती में दरार मसाला सागो डालोगे बहुत। ऐसे दोस्तों को दोस्ती में दरार डालने का मौका मिल जाता है। ऐसे लोगों को दोस्ती में चैनल नवाबों के शौक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जियो।